नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे इक्विटी मार्केट के अपडेट्स। इक्विटी मार्केट की कल की अपडेट्स के ऊपर बातचीत करने से पहले हमने आज के लिए क्या अपडेट्स ली थी, क्या निफ्टी के सपोर्ट लेवल लिए थे, क्या रेजिस्टेंस लेवल लिए थे, क्या बैंक निफ्टी के सपोर्ट लिए थे, क्या रेजिस्टेंस लिए थे, कौन से स्टॉक्स हमारे होल्डिंग पे थे, कौन से स्टॉक्स में लॉस हुआ, कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। यानी ओवरव्यू करने का मतलब वीडियो देख के आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं उसका जजमेंट निकालना है, और अपनी परफॉर्मेंस में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी अपनी परफॉर्मेंस में कहीं सुधार की जरूरत तो नहीं है। ये रोज रोज करने से जल्दी जल्दी सुधार होते चले जाते हैं, और रियलिस्टिक यानी आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, वो भी उसका भी कंक्लूजन निकल जाता है। कल आज एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। खुश होने की वजह, बैंक निफ्टी कल सेल करवाई थी, आज खुलते मार्केट में सब ने बहुत शानदार मुनाफा बनाया है, और जब आप लोग मुनाफा बनाते हो तो मेरी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। बहुत खुश हूँ आज मैं। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोगों को इतने दिनों से कह रहा था, मैं पिछले हफ्ते से कह रहा था 10,820, 10,860 ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर लोग 11,000 की बात कर रहे थे, लोग 10,600-10,500 की बात कर रहे थे, लेकिन कोई 10,820 और 10,860 की बात नहीं कर रहा था। तो ये होते हैं लेवल्स के कमाल। यहाँ पर मैं अपना बहुत पुराना डायलॉग बोलना चाहूँगा, शायद आप लोगों को याद होगा, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखाया जाता है वो होने वाला नहीं होता है। तो ये होता है मार्केट। बस इस मार्केट में टाइमिंग अगर आप लोगों की सही है तो आप मार्केट जीत सकते हैं। टाइमिंग का ही सारा खेल होता है, बाकी आप लोगों का मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सब इम्पोर्टेंट होता है। बाकी स्ट्रैटेजीज बनाना, एनालिसिस करना, टेक्निकल देखना, फंडामेंटल्स को समझना, ये तो हर कोई कर लेता है, पढ़ना ही तो होता है, लेकिन जब मेन एक्शन की बारी आती है तो वहाँ पर टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और टाइमिंग के साथ आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट मैटर करता है। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात करता हूँ निफ्टी के आज रेजिस्टेंस क्या बताए थे। 10,900 का पहला रेजिस्टेंस बताया था, 10,750 का सपोर्ट बताया था, 10,688 का आप लोगों को तीसरा सपोर्ट बताया था, और ये भी कहा था ये दोनों फिगर के अलावा अगर यहाँ से बाजार और ढहता है तो 10,620 का एक सपोर्ट रहेगा, जो कि स्क्रीन पे मेंशन नहीं होगा। और कर आप लोगों को ये आशंका भी बताई थी कि मुझे मार्केट 10,750 के नीचे खुलता दिख रहा है, तो जो मैं सपोर्ट आप लोगों को बता रहा हूँ 10,750 का, वो हो सकता है इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाए, और हुआ हूबहू वैसा ही। देखिए आज बाजार का हाई पोस्ट हुआ है 10,763 का, लो पोस्ट हुआ है 10,553 का, और क्लोज हुआ है 10,613 में। जो अपन ने तीसरा सपोर्ट डिस्कस किया उसके आसपास की आके क्लोजिंग हो गई। तो ये बहुत बार देखा गया है कि अगर हमारी रेंज के बाहर जाता है तो बाजार क्लोज होते होते हमारी रेंज तक जरूर आ जाता है। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 10,570 का, 10,525 का। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 10,680, 10,750, और इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 10,590 का। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज। तो मुझे कल का बाजार थोड़ा मिक्स लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये खींचना भी चालू कर दे, लेकिन खींचता भी है तो भी 10,750 के ऊपर अब जब तक ट्रेड नहीं कराता। अब 10,750 को जैसे ही क्रॉस करे माल भर लो, हो सकता है नई तेजी नई बुलंदी की तरफ चलने लगे बाजार, नहीं तो 10,500 और 10,750 की रेंज लगती है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की आज आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल बताए थे 22,250 का, सपोर्ट लेवल बताया था 21,950 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल बताया था 21,690 का। यहाँ पर भी एक चीज मार्क करिएगा, जो पहला सपोर्ट बताया था 21,950 का, वो इसका बन गया था रेजिस्टेंस 21,950। इसका हाई पोस्ट हुआ 21,944 का, 950-944। तो ये होते हैं लेवल्स के कमाल। लोअर लेवल में इसने लो पोस्ट किया है 21,212 का, हमारे सपोर्ट लेवल से बहुत दूर चला गया था बाजार, क्लोज होते होते 10,396 के आसपास आ गया। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 21,300। देखिए मैं चलिए कल के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 21,390, 21,140। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 21,510, 21,670, और इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 21,970। अब यहाँ पर एक बात देखिए, नोटिस करने वाली बात है, निफ्टी का मैजिकल फिगर क्लोजिंग के आसपास है, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर से बहुत नीचे की क्लोजिंग हुई है, तो कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बाजार होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, या फिर निफ्टी अपने मैजिकल फिगर को तोड़ के नीचे चला जाएगा, या फिर बैंक निफ्टी अपने पुलबैक देख के मैजिकल फिगर के आसपास आ सकता है, या फिर
जो रेजिस्टेंस लेवल बताया वहां तक तो आ सकता है। तो देखना होगा टाइमिंग यहाँ पर किस तरह से आप लोग अप्लाई करते हैं और किस तरह से मूवमेंट को कैपिटलाइज करते हैं। बाजार में लेवल निकालना, लेवल निकालना, ट्रेंड डिस्कस करना, मैं 8,000 से तेजी में था, मैं 10,000 से तेजी में था, मैं 12,000 से मंदी में था, ये सब बातें होती हैं। बातें कब होती है कि आपने आज पोजीशन ली और बाजार टूटने लगा। टाइमिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने आज पोजीशन ली और महीने भर तक उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। आप लोग खुद पैनिक हो जाएंगे, आप लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप लोग खुद इतने ज्यादा मार्केट से इरिटेट हो जाएंगे कि नहीं यार ये पोजीशन को छोड़ दो। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आज आप लोगों को बार बार टाइमिंग का खेल बता रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया में बात करने वाले या फिर आपके मोहल्ले आस पड़ोस में बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, यहाँ से बाजार ऐसा लगता है वैसा लगता है, अरे बॉस आज पोजीशन लो और बाजार बढ़ना चालू हो जाए वो होती है टाइमिंग, या फिर आपने जब पोजीशन ली वहां से बाजार रिएक्ट करने लगे वो होती है टाइमिंग। तो पूरा पूरा खेल मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और टाइमिंग का होता है। आप लोगों को अगर बाजार सीखना है तो इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज कौन से स्टॉक्स को सेल बाय करने कहा था? रिलायंस इंडस्ट्री को सेल करने कहा था 1985 के आसपास, 1941 का हाई पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। दूसरा स्टॉक लिया था एसबीआई बैंक को सेल करने कहा था, सब सेल के कॉल थे। सेल करने कहा था 194.50 के आसपास, 192.30 का इसने हाई पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। टीसीएस को सेल करने कहा था 2224 2232 के आसपास, 11 बजे तक कंफर्टेबली सेल मिल रहा था। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 2175 के, स्टॉप लॉस मेंटेन करना था 2251 का। 2239 पे इसने हाई पोस्ट किया है, 2165 पे इसने लो पोस्ट किया है, 2171 का यहाँ पर हाई क्लोजिंग आया है। तो मोटा माटी देखा जाए तो 0.1.88% यानी क्लोज टू 2% के आसपास हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैपिटलाइज किया है। दूसरा आईबुल को आप, चौथा आपको आईबुल को सेल करने कहा था 243 के आसपास, 235.95 का हाई पोस्ट किया, यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। पांचवा, हमारे पास एक आईसीसी बैंक की होल्डिंग रह गई थी कल 357 के आसपास का बाय था, 359.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, स्टॉप लॉस की एंट्री ले लिए आराम से कंफर्टेबली 351-352 के आसपास की इसकी एग्जिट मिल रही थी, लेकिन जो अपन ने स्टॉप लॉस में दिया था वो स्टॉप लॉस का फिगर अपनी परफॉर्मेंस शीट में मेंशन कर दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक में 5000 यानी 1.85% का लॉस गया है और 1.88% का टीसीएस में प्रॉफिट आया है। तो देखिए मनी मैनेजमेंट का इम्पैक्ट यहाँ पर, आज हम लोगों ने एक भी रुपए नहीं तोड़ा जबकि बाजार इतना बढ़िया टूटा। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कल कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। कल एसबीआई बैंक को बाय करेंगे 183.70 184.70 की रेंज में, 182.40 का छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 189 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक, 243.70-245 की रेंज में बाय करेंगे, 343.70-345 की रेंज में बाय करेंगे, 339.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 352 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा इंडसइंड बैंक, 503-505 की रेंज में बाय करेंगे, 596.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 516 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा टाइटन, 960.50-964 की रेंज में बाय करेंगे, 954.90 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 975 तक के एक टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर 975 को क्रॉस करता है, 977 को क्रॉस करता है तो हो सकता है 985 तक चला जाए, लेकिन मैं एक ही टारगेट की बात करता हूँ ताकि परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्डिंग सही से हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बने। तो ये थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं इस मार्केट से पैसा नहीं बन सकता। नीचे हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती हैं, आप चाहें तो सब जगह जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि जो भी मैं बात मार्केट की करता हूँ तो टेलीग्राम पर जरूर अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।